हत्रास बाधित कुटुंबालनु राहुल गांधी परामर्शिंचारु वारिकी अंडगा उंटामनी भरोसा निच्चारु। ढिल्ली नुंची रोड्डु मार्गंलो बयलुदेरिन राहुल गांधी मुंदुगा अलीगढ़ चेरुकुन्नारु। नवीपूर् पिलाक्ना ग्रामालकु वेल्लारु। तोक्किसलाटलो चनिपोयिन शांतिदेवी मंजुदेवी कुटुंबालनु परामर्शिंचारु। मृतुल कुटुंब सभ्युलतो मात्लाडारु। अंडगा उंटामनी वारिकी धैर्यं चेप्पारु। आ तर्वात राहुल गांधी हत्रास की चेरुकुन्नारु। तोक्किसलाट बाधितुलनु परामर्शिंचारु। प्रमादं जरिगिन तीरुनु अडिगि तेलुसुकुन्नारु। दीन्नि राजकीयं चेयडं तन उद्देशं कादनि बाधितुलकु भरोसा इव्वडं कोसमे वच्चिनट्लुगा तेलिपारु। सत्संग निर्वहणलो अधिकार यंत्रांगं लोपालु उन्नट्लुगा तेलुस्तोंदनि अन्नारु। योगी सर्कार् बाधितुलंदरिकी न्यायं चेयालनि राहुल गांधी कोरारु। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, पर शासन की कमी तो है और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए। ये गरीब परिवार है, मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं। बहुत दुख में है, शॉक में है। ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको